मेरा नाम बिंदु गंडोत्रा, मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल धम्मी। मैं ये खुशी से बताना चाहूँगी कि मैं पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रही हूँ और पिछले 5 साल से भारती फाउंडेशन के साथ बराबर काम कर रही हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि भारती फाउंडेशन ने हमें सपोर्ट किया, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमें मिला। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में पहले काम नहीं करते थे या एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन आज जिस स्केल पर हम पहुंच गए हैं, हम उस स्केल पर नहीं थे। पहले पीटीएम होती थी तो बहुत चंद पेरेंट्स हमारे पास आते थे, आज ये एक प्रोसेस बन चुका है। हर महीने 26 को हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे से हमारी बातचीत होती है उनके साथ, उनको भी अच्छा लगता है कि उनके बच्चे स्कूल में कितने स्किलफुल हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं स्किलफुल? हमें भारती फाउंडेशन ने इतना अच्छा स्पोर्ट्स सिस्टम दिया, इन्होंने टीचर्स को वर्कशॉप्स करवाए, टीचर्स को एक्सपर्ट किया, लाइफ स्किल्स पे वर्कशॉप्स हुए, हर तरह की काउंसलिंग सेशंस हुए हमारे। देन आफ्टर दैट हमने बच्चों के साथ वो कंडक्ट करे और आज बच्चे इतने स्किलफुल हो चुके हैं कि उन्हें इस चीज़ का फील है बुरा कि लाइफ स्किल्स को हमने कैसे डेवलप करना है। अपने उन लाइफ स्किल्स को वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम स्कूल में देखते हैं कि वो सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, सेल्फ डिसीजंस लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ गई हैं। पहले अगर बच्चे को हम असेंबली में खड़ा करते थे बोलने के लिए, खड़ा तो हो जाता था बच्चा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता था। आज बच्चे में वो कॉन्फिडेंस लेवल है। आज हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं रहे, स्कूल से निकल के वो जोन तक, फिर डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक, एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ दिस कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं और वहाँ पर वो सेकेंड रैंक से स्टैंड होकर आए हैं। कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस? इतनी स्किल्स कहाँ से आई उनमें? आफ्टर ऑल वही वर्कशॉप्स, वही इनके सेशंस, वही सब एक्टिविटीज़ जो हमने करवाई, और इतना सब हम शायद नहीं करवा सकते अगर हमारे साथ भारती फाउंडेशन का सपोर्ट नहीं होता। मैं यहाँ से एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों में बात करने तक की भी बहुत हेजिटेशन थी, लेकिन आज जब यहाँ पर हमारे हाउस सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हमारे क्लब्स फॉर्मेशन हो चुकी है, तो क्लब्स के माध्यम से, हाउसेस के माध्यम से उन्हें पता चल गया है कि हम कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। यहाँ तक कि इतनी सारी कैंपेन्स हमारी निकलती हैं, हम कम्युनिटी तक चले जाते हैं, यहाँ जागरूकता दिवस मनाते हैं, कम्युनिटी को जागरूक करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अभी रिसेंटली हमने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया था, उससे पहले स्वच्छता अभियान चल रहा था, गांधी जयंती पे चल रहा था, तो एक एक महीने के ये सारे अभियान चले, तो उसमें हम लोग तो नहीं सब कुछ कर रहे थे, उसमें हमारी ये जो ताकत है, हमारी जो बाजुएं हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैं तो ये फ़ख्र से कहूँगी कि ये वही बच्चे हैं जो एक दिन बात नहीं कर सकते थे। जब मैं यहाँ पर स्कूल में आई हूँ तो तब मैं सोचती थी कि ये मैं कहाँ आ गई, ये बच्चे तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गई। आज तो बच्चे इतना अच्छा सा करते हैं, कई बार तो मुझे सीखने को मिलता है इन बच्चों को। आई एम रियली फील प्राउड ऑफ दिस और हाईली थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ टू द होल टीम ऑफ भारती फाउंडेशंस। थैंक यू।